क्यों मुझे फंसा रहे हो? तुम्हारी तो पॉलिसी है मुझे फंसाना। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिरौती के पैसे लेने नहीं, मैं लॉकी लेने गया था। झूठ बोल रहे हैं आप बबलू पापा। बताइए, आपने वर्मा जी का अपहरण किया है या नहीं? अरे नहीं किया, मेरे बाप किसी का अपहरण नहीं किया। मैं अभिनव जी के घर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने गया था। क्या मतलब है इसका? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभिनव जी ने हमारी कंपनी से अपनी फैक्ट्री की बहुत बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, और फिर उस इंश्योरेंस को लेने के बाद अपनी फैक्ट्री में फर्जी आग लगवा दी थी। इस सब फर्जीकरण के कुछ सबूत मेरे हाथ लगे थे, तो उनके अपहरण होने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे चालाकी से अपने घर बुला लिया था। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफ्स, इनसे ये पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। देखिए, एक बात बताइए कि आपके पास इन फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स की कोई और कॉपी भी है? जी नहीं। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये लाइए दीजिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स दिखा के। अब तो तुम्हारी कंपनी को मेरा क्लेम देना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप ये मुझे नहीं देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। बाहर फेंक दो। भाई साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए प्लीज। बबलू पापा, क्या है? यदि ऐसी बात है तो आपने निरीक्षक जी को आके सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों? सच बताने से क्या हो जाता? तुम बच जाते क्या? उल्टा शक के बिना पर मैं अंदर हो जाता, और अगर मैं अंदर हो जाता तो तुम्हें कौन बचाता? बोलो। अंदर दे। एक मिनट, एक, अरे मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बबलू की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे साले पनौती है मेरी जिंदगी में। रुक जाइए। हम बबलू के पापा को अच्छी तरह से जानते हैं, और इनके बारे में ये भी जानते हैं, ये कभी भी बबलू की झूठी कसम नहीं खा सकते। बबलू पापा निर्दोष है। निरीक्षक जी, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। चलिए बबलू पापा। एक मिनट, ये क्या मजाक है? खुद लेकर आते हो, खुद लेकर जा रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे दोस्त का घर नहीं। तुम लोग यहां से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें जाना होगा। चलिए चित्रगुप्त जी। रुक जाओ, चुपचाप चलो लॉकअप के अंदर। निरीक्षक जी, हमने आपसे कहा हम क्षमा चाहते हैं, किंतु अभी हमें जाना होगा। हम लौटेंगे अपराधी के साथ। इस वक्त आज्ञा दीजिए। आइए चित्रगुप्त जी। चलिए बबलू पापा। कहाँ लेके जा रहे? हमने कहा ना, हम लौट के आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बात सुनो। अभिनव वर्मा के किडनैपिंग में एक नया मोड़ आया है। अभी अभी पता चला है कि इस पूरी किडनैपिंग में जीजा साले आपस में मिले हुए थे। यमराज और चित्रगुप्त के जीजा जी यानी बलदेव कपूर फिरौती के 50 लाख रुपए लेकर अपने सालों के साथ फरार हो गए। अरे नहीं नहीं, आपने बबलू पापा ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। कहाँ होंगे बबलू पापा? हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अरे तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। मेरी मेरी जिंदगी के राहु और शनि हो। बबलू पापा, शनि देव प्रभु के बड़े भैया का नाम है। यकीनन यकीनन पक्का होगा। अरे इनकी हरकतें देख के लगता है। बबलू पापा शांत हो जाइए आप, ये समय आरोप लगाने का नहीं है, ये समय है इस गुत्थी को सुलझाने का। एक के बाद एक कड़ी उलझती जा रही है। उस रात को आप भी वहां गए थे, भैया जी ब्रो भी वहां गए थे, और शायद
कोई और भी। चित्रगुप्त जी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, अपनी कर्म पुस्तिका देखिए और बताइए कि वर्मा जी के बारे में कुछ विचित्र बात है तो। जी प्रभु। प्रभु एक बड़ी विचित्र बात नजर आ रही है। वर्मा जी और प्रिंसेस सर की कुंडली जुड़ी हुई है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, किंतु प्रिंसेस सर वर्मा जी से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। अच्छा, प्रिंसेस सर ने कभी बताया नहीं है कि वो वर्मा जी को जानते हैं। और देखिए चित्रगुप्त जी, और किसी के साथ उनकी अनबन है क्या? जी प्रभु, उनके छोटे भाई विशाल जी के साथ। विशाल जी को वर्मा जी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए ना, उस दिन न्यायालय में भी विशाल जी नहीं आए। क्या मजाक हो रहा है ये? हाँ, क्या मजाक हो रहा है? खाली पन्ने पलट पलट के लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते, ये करते रहे। पापा शांत हो जाइए, ये समय है इस कुत्ते को सुलझाने का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप एक काम कीजिए, इस प्रकरण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस चौकी बुलाइए। अब ये गुत्थी वहीं सुलझे। जैसी आज्ञा प्रभु। ये लीजिए आपकी अमानत, आपके पति भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। सर, जिसमें आज तक नहीं देखा जिसमें एक अपराधी पुलिस से तीन बार भागकर वापस बेशर्मी से पुलिस स्टेशन आए और वो ये कहे, वो बताएगा कि किडनैपर कौन है। जी हाँ निरीक्षक महोदय, हम वापस यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम जान चुके हैं कि गुनहगार कौन है। पर हम आप सबको बता दें, इस समय वो गुनहगार हम सबके बीच खड़ा है। और वो गुनहगार है प्रिंसेस सर। यम जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम ये जान चुके हैं कि आप अभिनव जी को बचपन से जानते थे। ये बात आपने हमसे छिपाई और ये बात भी छिपाई कि आप मन ही मन उन्हें बहुत पसंद नहीं करते। आप मेरा मतलब है, ये सब आपको कैसे पता चला? चित्रगुप्त जी। प्रभु। पूछ रहे हमें कैसे पता? हमें ये बात पता है क्योंकि हमारे पास चित्रगुप्त जी है। प्रभु। ये आप कह रहे हैं यम जी? अरे मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ? स्वयं विचार कीजिए। हाँ ये बात सच है कि मैं अभिनव को पसंद नहीं करता था। देखिए बात यह है कि मैं और अभिनव एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। मैं पढ़ाई में उससे तेज था लेकिन वो हमेशा मुझसे ज्यादा तरक्की करता था। और ऊपर से आज मुझे उसे सरजी बुलाना पड़ता है और वो इस बात पर इतराता है। अरे घमंडी है वो। हाँ लेकिन आप सभी एक बात जानते हैं, मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। चलिए प्रिंसेस सर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपने वो अपहरण नहीं किया, तो प्रश्न ये उठता है कि उनका अपहरण किसने किया? भैया जी ब्रो, बबलू पापा, बिंदिया बहन ही कर सकती हैं, आप जानते हैं। ये अपहरण किया है विशाल जी आपने। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ विशाल जी, आपके भाई ने आपको व्यवसाय में साझेदारी नहीं दी और इसीलिए आप उनसे नाराज थे। देखे, मैं ये मानता हूँ कि मेरी और उनकी नहीं बनती, हमारी सोच अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका अपहरण कर लूंगा। कोर्ट में मैं इसलिए नहीं हाजिर हो पाया क्योंकि जिस दिन भाई साहब का अपहरण हुआ था उस दिन मैं शहर से बाहर था। अगर आप लोग चाहे तो मैं टिकट ला के दिखा सकता हूँ। प्रभु, आजकल आधुनिकता और तकनीक से अगर नकली बड़ी बिंदु बनाई जाती है तो एक नकली टिकट बनाना मुश्किल है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, उचित बात कही आपने। अरे यार, किडनैपर कौन है वो कैसे पता चलेगा? तुम तो टाइम पास किए जा रहे हो। पांडे पुत्र, हम आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। ये कैसा है? मैं क्यों विश्वास करूं आप पर? एक बार करके तो देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे।
और हमें पूरा भरोसा है कि अब हम जान गए हैं कि असली अपराधी कौन है। किंतु किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें एक खेल खेलना होगा, जिसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मना मत कीजिएगा। बस कीजिए, बहुत हो गया नाटक। कभी कहते हो इसमें शक, कभी कहते हो उसमें शक। हमें तो सिर्फ 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 तुम दोनों पर शक है, समझे? आननी, एक बात पूछिए। उका है इंस्पेक्टर साहब, हमरे भैया ना ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते, हमको पूरा शक है। नहीं, यकीन है, यकीन है, नहीं कर सकते। बस कीजिए, आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर इन्होंने अभी साबित नहीं किया कि अपराधी कौन है, तो ये दोनों जाएंगे अंदर। हाँ, हेलो, क्या अभिनव जी मिल गए? शाबाश, उन्हें लेकर फौरन यहां जाओ। अब वही बताएंगे कि अपराधी कौन है। अद्भुत निरीक्षक जी, अद्भुत। अब स्वयं अभिनव जी आकर बताएंगे कि अपराधी कौन है और अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे इतने डंडे पड़ेंगे और इतने दिन रिमांड में रखूंगा कि वो किडनैपिंग करना भूल जाएगा। चित्रगुप्त जी, सत्य क्या है किसी ने, कोई भी गुनहगार कभी भी कानून से बच नहीं सकता। जी प्रभु। चौकीदार जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके मालिक आ रहे हैं। नहीं, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो आपके चेहरे पे पसीना क्यों है? ओ प्रभु, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे ही शायद ये खुशी के पसीने छूट रहे हैं। और हाँ चौकीदार जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको चोट दाईं ओर लगी थी, बाईं ओर नहीं। शायद आप जल्दबाजी में भूल गए। और प्रभु, पहले जिस तरफ पट्टी बांधी थी वहां तो चोट है नहीं। इसका मतलब या तो पट्टी गलत जगह बांधी थी या तो फिर चोट थी ही नहीं। लगता है अभिनव जी आ गए, अब वो अपराधी जाएगा जेल के अंदर। अरे कोई आगे नहीं आएगा। तुम लोगों के हाथ में वो अभिनव भले ही आ गया हो, पर मुझे नहीं पकड़ सकते हो तुम। निरीक्षक जी, हमने कहा था ना, प्रभु की लीला तो काम करेगी। प्रभु यम है आप। ए, ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक ही चल रहा है पुत्र। सत्य तो ये है कि असल में अभिनव जी यहाँ आए ही नहीं है। वो अब भी वही होंगे ना, आपने उन्हें रखा। आप फंस चुके। ए, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। ए, अब चुपचाप सबके सब चलो हवालात में, चलो। ए, इंस्पेक्टर, अंदर काट, सबको अंदर काट। मैं चलता हूं। ए भाई, चलो चलो अंदर। जब तक तुम लोग यहां से बाहर निकलोगे, मैं शहर से बाहर निकल चुका हूंगा। अरे वो तो भाग गया। वो भागा नहीं है निरीक्षक जी, उसे हमने भागने दिया। अब वो सीधे जाएंगे अभिनव पुत्र के पास और हम उन्हें पकड़ लेंगे। अरे हम लोग तो अंदर हैं, तो पीछा कौन करेगा? पीछा जिसने करना है
फोन का पीछा कर रहा है। है कि एक बात पूछें, वो सब तो ठीक है, पर हम बाहर कैसे निकलेंगे? अरे बाहर नहीं निकलेंगे तो उसे पकड़ेगी कैसे? उसका प्रबंध हमने कर दिया है। आप जरा पीछे हटना। प्रतीक्षा कीजिए, हम अभिनव पुत्र लेकर वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। महाराज, यही वो जगह है जहाँ वो छुपा हुआ है। शाबाश महेश्वर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आप जाइए और बाकी सब को लेकर यहाँ वापस आइए। हम भीतर जाते हैं। जी प्रभु। कैसे पहुंचे? हम आपके बुरे कर्मों का अंत करने आए हैं। छोड़ दीजिए अपने मालिक को। नहीं, कभी नहीं। तुम यहां आ तो गए हो लेकिन यहां से बच के नहीं जाओगे। ए, मारो इसे। जान ले लूं मैं। रुकिए अभिनव जी, हिंसा हिंसा का हल कभी नहीं हो सकता है। इनकी सजा इन्हें कानून देगा और आप चौकीदार पुत्र, हमें यह बताइए कि आपने यह दुष्कर्म क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसे के लालच में आकर के यह सब किया। मुझे माफ कर। लेके जाओ इसको। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? हमने केवल उतना ही किया जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। बलदेव जी, मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी ऐसा झूठा क्लेम नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। तो भैया जी ब्रो, क्या सीख मिली आपको प्रभु की इस लीला से? अरे गुप्ता सर, सीख हमें जिंदगी भर का सबक मिल गया। हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सर। हाँ, अद्भुत भैया जी ब्रो, सबकी मदद तो करनी चाहिए, साथ ही साथ कानून की मदद भी करनी चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा, क्योंकि कानून न केवल मनुष्यों के किंतु समस्त समाज के संतुलन के लिए बनाया गया है। उसका आदर करना अनिवार्य है। अरे कानून छोड़िए सर, हम कह रहे हैं किसी के दांत नहीं तोड़ेंगे हम आज के बाद। मामा जी आज के बाद से रिस्पेक्ट करनी शुरू करेंगे कानून की। वो जेब बेब में रखना वो सब एटीट्यूड खराब है, जानते हैं मामा जी। हाँ, अद्भुत भैया जी। ओ भैया, आप सबके लिए कितना कुछ करते हैं,
यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। बिंदिया बहन, प्रभु का हृदय ही कुछ ऐसा है, इसलिए आज सब मिलके कहेंगे यम है आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.